अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अज़ीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, फूड रिव्यू सेक्शन में जो मैं जो ग्रॉसरी आइटम लेकर आया हूँ वो एक बहुत ही कारामद और खुशबूदार चीज़ है। आपको पता है जी, ज़ाफ़रान जो है हमारी ऐसी स्पाइस है, एक ऐसा मसाला है जो बहुत ज़्यादा महंगा है। मार्केट में सबसे ज़्यादा इसकी कीमत है, एक ग्राम तकरीबन 400 से 600 के दरमियान मिलता है, तो वो हर बंदा इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर तो वो काफ़ी जगह पे आपको फेक मिलेगा, जाली मिलेगा, आर्टिफिशियल मिलेगा, तो क्यों ना हम फिर उसका कोई एसेंस ही इस्तेमाल कर लें। मैं आज आप लोगों के लिए एक एसेंस का रिव्यू लेकर आया हूँ। ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले काफ़ी किस्म के एसेंस के रिव्यूज़ दिए हैं, ऑरेंज का, लेमन का और बादाम वगैरह का, तो उसी सिलसिले में मैं आज आप लोग के लिए सैफ्रॉन का लेकर आया हूँ, यानी ज़ाफ़रान। ये फोर्नेट कंपनी वालों का है। दोस्तों, मैंने इसे इस्तेमाल किया है, ये एक एवरेज प्रोडक्ट है, कोई इतना ख़ास नहीं है। कुछ लोग इसे मेडिसिन टाइप की या कोई इथर की या एथेनॉल की स्मेल लगेगी, लेकिन अगर आपने इसे यूज़ करना है तो ये एक एवरेज प्रोडक्ट है। मैं इसे आपको रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आपने इस्तेमाल करना है तो। अगर आपको बहुत मजबूरी तो फिर आप इस कंपनी को परचेज़ कीजिएगा। ये एक नॉर्मल फ्लेवर है इसका। मैंने बादाम का जो फ्लेवर इस्तेमाल किया था वो बहुत अच्छा था, और इसी तरह ऑरेंज भी ठीक ही था। तो ये सैफ्रॉन जो है, बस ये एक एवरेज है, और ये हम मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रदा चावल में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिरयानी में, कौरमा में, और जितने भी देसी किस्म के खाने हैं, स्वीट्स, मीठा वगैरह, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी शाही टुकड़े में भी आप डाल सकते हैं, सेवइयां में डाल सकते हैं, खीर में डाल सकते हैं, फिरनी वगैरह में डाल सकते हैं, और जितने भी और इस किस्म की जितनी भी चीज़ें हमारी देसी किस्म के फूड्स हैं उसमें डाल सकते हैं। दोस्तों, ये इसका नेट वेट है, मैं आपको बताता हूँ, 25 मिली लीटर है। 25 मिली लीटर की बोतल है। इसकी जो प्राइस है मार्केट में आपको ये 35 रुपये से 50 रुपये में मिल जाता है। मैंने 50 रुपये का परचेज़ किया है, तो मैंने इसे यूज़ करके भी देखा है, मैंने इसे केक भी बनाया, और आप पिछली वीडियो में आपको वो आप देखिएगा, ज़रदा भी इसे बनाया, आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी इसकी रेसिपी। तो मैंने इसे इसकी खुशबू भी चेक की है, तो एक एवरेज खुशबू है इसकी। दोस्तों, इसके जो इसकी जो बेस है, इस केमिकल्स जो है इसमें, मैं आपको वो बता देता हूँ, एक हलाल प्रोडक्ट है, इसमें किसी किस्म का कोई अल्कोहल नहीं है। इधर ने मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, एक मिनट है, हाँ जी किया हुआ है। प्रोपिलीन ग्लाइकोल है इसमें, वाटर है, और फूड कलर वगैरह है इसमें, तो इसमें कोई एथेनॉल नहीं है, अल्कोहल नहीं है, तो आप आंखें बंद करके इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एक हलाल प्रोडक्ट है। दोस्तों, आने वाली वीडियो में मैं इसे आपको मुख्तलिफ किस्म की मीठे बनाना सिखाऊंगा। तो आप मेरे इस वीडियो को, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और मेरा दूसरा चैनल है आर्ट्स और कलर का, ग्राफिक्स का, कलर क्लाउड के नाम से, तो आप उससे भी सब्सक्राइब कर लें मेरे दोनों चैनल को। जो इसका बेल आइकॉन है इसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुझे इजाज़त है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।